उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल हुआ है। अब 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव होंगे, क्योंकि दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, जिसको लेकर शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है, लेकिन इस बार उनको सेवा विस्तार नहीं किया गया। सूत्रों की माने तो दुर्गा शंकर मिश्रा को सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र को पत्र नहीं भेजा गया था, तबकि इससे पहले उनका 3 बार सेवा विस्तार किया गया था। और अब मनोज कुमार को यूपी का चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मनोज कुमार सिंह आज ही मुख्य सचिव पद का कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। और बताया जा रहा है मनोज कुमार सीएम योगी के पसंदीदा अधिकारियों में भी आते हैं। वैसे तो इस समय में मनोज कुमार के पास IIDC, APC और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, CEO, UPDA जैसे कई अहम पदों की जिम्मेदारी है। बता दें कि दिसंबर 2021 में दुर्गा शंकर मिश्रा को रिटायर होने से ठीक पहले सेवा विस्तार दिया गया था। इसके बाद साल 2022 में, फिर साल 2023 दिसंबर में दुर्गा शंकर का कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक होने के चलते तीसरी बार 6 महीने के लिए उनका सेवा विस्तार कर दिया गया था, जो आज खत्म हो रहा है। पर चौथी बार उनका सेवा विस्तार नहीं किया गया। आईएएस मनोज कुमार की प्रदेश सरकार की कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने में मुख्य भूमिका रही है। यही वजह है कि उन्हें अब यूपी मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।